दोस्तों, अपने ही हाथों से ब्रह्मचर्य नाश हो जाने पर हमें पछतावा क्यों होता है? इस आदत की वजह से अपने आप से नफरत क्यों होने लगती है? क्यों ब्रह्मचर्य नाश हो जाने पर हमें कोई काम करने का मन नहीं करता है? आप कसमें खाते हैं कि आज आखिरी बार था, कल से पक्का छोड़ देंगे, लेकिन चार दिन बाद फिर से वही गलती हो जाती है। दोस्तों, ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि हम अपने आप को जानबूझकर धोखा देते हैं। 10 रुपए का हक पाने के लिए भी लोग भिड़ जाते हैं, लेकिन जब बारी आती है लाखों में बिकने वाली चीज की, तब उसे नाली में बहा देते हैं। ब्रह्मचर्य नाश होने पर जो अफसोस होता है, वो सिर्फ अपने नुकसान से नहीं बल्कि अपने माँ बाप के नुकसान से भी जुड़ा है। उनकी मेहनत से ही आपको भोजन मिला है, जिसे खाने के 35 दिन बाद सबसे कीमती चीज बनी। अब जिसके मन में यह सवाल आता होगा कि भाई, मेरे से 4 दिन भी रहा नहीं जाता है, अगर कोई अट्रैक्टिव सुंदर इंसान देख लूं तो कोई मोटिवेशन काम नहीं आता है, तो फिर क्या करें? तो मेरे भाई, मोटिवेशन के पीछे मत भागो, हकीकत को देखो। आपके लिए कोई सुंदर इंसान ज्यादा जरूरी है या माँ बाप की मेहनत? किसकी ज्यादा आप कद्र करोगे, सच बताना। क्योंकि अगर माँ बाप की ज्यादा कद्र करोगे तो उनकी मेहनत भी करोगे, राइट? तो उनकी मेहनत से जो खाना आपको मिला है और उसकी जो चीज बनी है, उसे किसी की तस्वीर को देख कर बहाना है या इसको बचा कर सही जगह पर इस्तेमाल करना है? जिस चीज को लोग 2 सेकंड के मजे के लिए नष्ट करते हैं, उनका जन्म भी इसी चीज के कारण हुआ है, और भविष्य में अगर उनकी कोई संतान होगी तो इसी चीज के द्वारा ही होगी। तब सोचो, गलत आदतों में पड़ने से जब आपका शरीर कमजोर हो जाएगा तो आपके बच्चे भी कमजोर पैदा ही होंगे। ध्यान रखना, जब आपकी ब्रह्मचर्य पालन से मूलाधार चक्र ऊपर उठेगी, तब आप अच्छा महसूस करोगे, और अगर नीचे ही बहती रही तो अफसोस बना रहेगा। खुश रहने का और रिलैक्स रहने का फिर आपको एक ही रास्ता दिखेगा, जो है ब्रह्मचर्य नाश। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आज से प्रण लो कि मैं हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, फिर देखो कैसे आपकी जिंदगी बेहतर बनती है। दोस्तों, बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।